दोस्तों, पानीपत का नाम तो आपने सुना ही होगा, जो कि हरियाणा में स्थित एक जिला है। आज हम बात करेंगे पानीपत में हुई तीन अहम लड़ाइयों के बारे में, जिन्होंने देश का इतिहास ही बदल दिया। पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में बाबर और दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी के बीच लड़ी गई थी, और इस लड़ाई में बाबर को जीत हासिल हुई थी, और इसके बाद भारत में मुगल साम्राज्य की शुरुआत हो गई। पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 में दिल्ली के राजा हेमू और अकबर के बीच लड़ी गई थी, और इस लड़ाई में अकबर की जीत हुई थी। दोस्तों, पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच लड़ी गई थी, जो कि भारत के इतिहास की सबसे अहम लड़ाइयों में से एक थी। इस लड़ाई में मराठा हार गए और अहमद शाह अब्दाली की जीत हुई। मराठों का इस लड़ाई में हारने का मुख्य कारण था भरतपुर के महाराजा सूरजमल का मराठों के साथ ना होना। उन्होंने मराठों को कुछ अहम सुझाव दिए थे, जो कि मराठों ने मानने से इनकार कर दिया था। इसलिए महाराजा सूरजमल ने अपनी सेना को वापस बुला लिया। अगर उस लड़ाई में मराठा जीत जाते तो दिल्ली पर विदेशी आक्रांताओं का साम्राज्य ना होता, और आज देश का इतिहास कुछ और ही होता। दोस्तों, अगर आपने कोहनूर के इतिहास की वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर देख सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें IQ मैग्नेट।